Quantitative reasoning lecture number 10. In this video lecture we will learn about ratio related question. So first of all we have to define what the ratio is. ठीक है, रेशियो, लेट सपोज आपके पास एक ए एंड बी है, तो उसके बिटवीन में जो रेशियो उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं. ठीक है, या फिर हम इसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ए बाय बी की फॉर्म में. ठीक है, तो बेसिकली रेशियो होती क्या है, ये टू बी जो कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनके बिटवीन में कंपेरिजन को कहते हैं. ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक जो रॉड है उसकी लेंथ 2 मीटर है, दूसरा रॉड जो है उसकी लेंथ 4 मीटर है, तो 2/4 अगर आप करें तो बेसिकली आप दोनों रॉड्स की रेशो ले रहे होते हैं, उसका कंपैरिजन देखना चाह रहे होते हैं. ठीक है, कि अगर वो 2 और 4 की रेशो में है तो फर्दर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ तो वो 1 और 2 की रेशो में आ जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे उसकी एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो कंपैरिजन में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2:3. अब यहाँ पे आपको बॉयज़ और गर्ल्स की क्लास में टोटल काउंटिंग नहीं पता, बल्कि दे आर जस्ट टेलिंग यू द रेशो. ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट वुड बी द मल्टीपल्स ऑफ दीज रेशो. ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे 2:3 आपको गिवन है, रेशो गिवन है, तो जो बॉयज़ हैं लाइक बॉयज़ के लिए 2 है और गर्ल्स के लिए 3 है, तो बॉयज़ की जो आपके पास काउंटिंग है या नंबर है इन द क्लास दैट वुड बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी वो 2 के मल्टीपल्स आपके पास आएंगे. सिमिलरली फॉर द गर्ल्स व्हाट द रेशियो इज़ 3. ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स हम लेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, यानी वो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ उनकी रेशियो क्या थोड़ी ज़्यादा है. तो वो ईच केस में लाइक सपोज 2 के साथ अगर मेरे पास 3 है, 4 के साथ 6 है, 6 के साथ 9 है. ठीक है, यानी और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं तो उन 5 में से 2 बॉयज़ होंगे और 3 गर्ल्स होंगी. अगर नेक्स्ट और देखें, अगर हम काउंटिंग को बढ़ा दें, तो अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स में से जो है वो 4 बॉयज़ होंगे और बाकी 6 जो हैं वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी. ओके, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, ग्रुप द रेशियो ऑफ द डॉक्टर्स टू लॉयर इज़ 5:4. तो ये उन्होंने एक्चुअल काउंटिंग नहीं बताई, जस्ट रेशियो बताई है डॉक्टर और लॉयर्स की एक ग्रुप में. ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इज 72. अब ये 72 जो है वो लॉयर्स और डॉक्टर्स दोनों को ऐड करके जो है उन्होंने बताया है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लॉयर्स इन द ग्रुप. अब आपको जस्ट सेपरेटली फाइंड आउट करना है कि लॉयर की जो काउंटिंग है या नंबर है वो उन टोटल 72 पीपल में से क्या होगी. ठीक है, तो आपको एक रेशो गिवन है और टोटल नंबर गिवन है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन चूज़ करते हुए इंडिविजुअली लॉयर्स की जो है वो जो है नंबर बताना होगा उसका. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. हम कंसीडर करेंगे लेट के, जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिकली आपके पास जो रेशो होती है वो बेसिकली मल्टीपल्स उसका नंबर जो है वो आ रहे होते हैं. तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है उसकी रेशो 5 थी, तो 5 के साथ आपने एक्स कंसीडर कर लिया क्योंकि आपको ये नंबर नहीं पता, एक्स नहीं पता आपको कि 5 जो उसके साथ 1 आ रहा है एक्स, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है या क्या आ रहा है. ठीक है, क्योंकि आप इसका मल्टीपल जस्ट 5 का मल्टीपल आपने लेना होता है. एक्स की वैल्यू 1 होगी तो 5 होगा, एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है, 5 2 10. ठीक है, तो 10 बेसिकली 5 का मल्टीपल है. सिमिलरली हम इस तरह से देखते जाते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट जो लॉयर्स है उसमें भी उसने जैसे यहाँ पे 5x किया तो इधर 4x किया है. ठीक है, क्योंकि उसकी रेशियो क्या है, 4 थी, तो x जो है नंबर हमें नहीं पता फिलहाल. ओके, नाउ एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इज 72. अब टोटल नंबर जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स को आपने 5x से शो किया यहाँ पे, और नंबर ऑफ लॉयर्स को 4x से. ठीक है, व्हाट यू विल डू, आप इनको ऐड अप करें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं दैट आर 72. ठीक है, तो मैंने इसको इस इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिख लिया. नाउ 5+4 व्हाट यू गेट, 9x इज इक्वल टू 72. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 9 को जो है वो 72 पे डिवाइड करेंगे. 9 8 72, देन यू गेट x इज इक्वल टू 8. अब x की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो देन आप उसके बाद जैसे लॉयर की वैल्यू जो लॉयर की नंबर है आपने उसको 4x कंसिडर किया, तो x की वैल्यू आपको पता है 8, तो 4 × 8 व्हाट यू गेट, 32. सिमिलरली आप यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे 5x से हम उसको डिनोट करें, x की वैल्यू 8 आ गई है, तो 8 5 40. तो अगर हम देखें 40 + 32 तो वो 72 ही बनते हैं. तो हम इसको हमने इस तरह से वेरीफाई भी कर लिया अपना क्वेश्चन. ओके, नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज। अब आपको ये कुछ ऑप्शन गिवन है और आपको नहीं पता कि बेसिकली रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स वो क्या है। जैसे एक सिंपल सी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो टोटल नंबर में से 12% जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज सॉरी गर्ल्स से ज़्यादा हैं, ठीक है, थीके? और आपको जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो इसको बहुत आपको माइंड में ये रख के चलना पड़ेगा कि आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। हम सपोज़ कर लेंगे यहाँ पे कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम टोटल चूँकि परसेंटेज आपके पास 100% होती है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लें कि लेट द टोटल स्टूडेंट्स बी 100, ठीक है। आपको अब कुछ भी नहीं गिवन, जस्ट 12% एक नंबर आपको गिवन है, आपको उससे सॉल्व करना है। सो मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगी कि टोटल नंबर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट इज 100, ओके। नाउ हमें क्या सपोज करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। अब हम यहाँ पे सपोज़ करें कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है हम उसको एक्स से डिनोट करें। अब बॉयज़ क्या होंगे, अगर आपके पास गर्ल्स के नंबर को आप एक्स से डिनोट करें, टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, तो 100 में से जब आप एक्स को माइनस कर दें तो पीछे रिमेनिंग क्या होंगे, बॉयज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे क्लास में, ओके। नाउ ऑल्सो गिवन दैट बॉयज़ आर 12% मोर देन गर्ल्स, तो आपको एक और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज़ के नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर 12% मोर देन गर्ल्स। तो आप सिंपल क्या करेंगे, बॉयज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स को किसे शो कर रहे थे, एक्स से, ठीक है, एक्स में आप 12 को ऐड करें तो वो भी बेसिकली नंबर ऑफ़ बॉयज़ के इक्वल आता है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बॉयज़ आ रहे हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इनको इक्वल रख दिया इस तरह से इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन की इक्वालिटी इस फॉर्म में आ गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, सिंपल अब इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमने किए, 12 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, और सिमिलरली जो x है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 2x, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, 100 में से 12 माइनस करें, यू गेट 88, ठीक है, तो यहाँ से x को जो है दूसरी तरफ जाके 88 पे डिवाइड करें, देन 44 is 88, ओके, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 44। नाउ x आपको पता है, व्हाट आर द x, x जो है नंबर ऑफ गर्ल्स आपने कंसिडर किया था, यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो आपने बेसिकली गर्ल्स को सपोज किया था कि नंबर ऑफ जो है गर्ल्स दैट इज इक्वल टू x, ओके। तो आपको अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता है दैट इज़ एक्स, तो बॉयज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, अगर टोटल 100 आपके पास स्टूडेंट्स हैं उसमें से आप जो है वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स को माइनस करें, दैट आर 44, ठीक है, गर्ल्स 44 आई हैं, तो 100 माइनस 44 आप करें, व्हाट यू गेट 56, अब ये 56 क्या होगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़, ओके। तो मैंने गर्ल्स को डी से शो किया यहाँ पे 44 और बॉयज़ जो है वो 56 बी से शो कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशो गर्ल्स ओवर बॉयज़, ओके, सो जी बाय बी what you get, sorry, यहाँ पे आपको boys to girls ratio find करनी है, ठीक है, so यहाँ पे आप क्या करेंगे, simple 56 over 44 आप करेंगे, further आप इसको simplify करेंगे, what you get 14 over 11, ठीक है, तो आपके पास जो option है, option number E, that is the correct option, okay।